हाँ, इसमें बहुत अच्छी बात आई है रॉबर्ट की। रॉबर्ट कहते हैं यह आमदनी के बारे में नहीं है, यह तो उन संपत्तियों के बारे में है जिनसे आमदनी उत्पन्न होती है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मूल्य नहीं समझ पाते। दरअसल जो लोग इससे सचमुच जुड़े हुए हैं उनमें से भी कई पूरी तरह नहीं समझ पाते कि वे अपने हाथ में जो अवसर थमे वह कितना मूल्यवान है। इस लाइन को दोबारा सुनो। रॉबर्ट कहते हैं इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की कीमत नहीं समझ पाते। दरअसल जो लोग इससे सचमुच में जुड़े हुए हैं उनमें से भी ज्यादातर लोग पूरी तरह नहीं समझ पाते कि वे अपने हाथों में जो अवसर थामे हुए हैं वह कितना मूल्यवान है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो सोने की खान पे बैठे हैं। वो कह रहे हैं मैं गरीब हूं, ये हूं। अरे तू गोल्ड माइन पे बैठा है यार, तू समझ यार। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी प्रस्तुतियां सुनते हैं तो प्राय उनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मतलब वो सेमिनार वगैरह में जाते हैं, मीटिंग सुनते हैं, तो उनका जो महत्वपूर्ण सवाल यह होता है अगर मैं इस व्यवसाय से जुड़ जाऊं तो कितनी आमदनी हो सकती है। सबसे पहले ये पूछते हैं हाँ मैं ज्वाइन करूंगा तो कितना पैसा मिलेगा मेरे को। कोई हैरानी की बात नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का प्रसार करने वाले लोग अक्सर इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं आप इसमें हर महीने कितना कमा सकते हैं। सबसे पहले पूछते हैं आपको कितने पैसे आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। हर महीने कितनी आमदनी होगी? आदमी बोलता है मैं जुट तो जाऊं मेरे को कितना पैसा हर महीने आएगा। यह लोग इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वे ई या एस क्वाड्रेंट में जीने के संदर्भ में सोचते हैं। ई और एस क्वाड्रेंट में आदमी को सबसे पहले पैसे की ही बताया जाता है कि कितना पैसा मिलेगा। मैं ये नौकरी करूं तो कितना पैसा मिलेगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी, मैं ये दुकान खोलता हूं तो मेरे को इसमें कितना पैसा आएगा। वो ई या एस में आमदनी के बारे में ही सोचते हैं तो फिर वो यहां आते हैं तो भी आमदनी की बात करते हैं। वे अपने वर्तमान ई या एस क्वाड्रेंट से होने वाली आमदनी के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी करना चाहते हैं। वो ई और एस में जो पैसा बना रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस व्यवसाय में आना चाहते हैं या फिर उसके स्थान पर यह व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं। या तो वो इस व्यवसाय में उसके साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए आना चाहते हैं या फिर वो जो अपना मूल काम धंधा कर रहे होते हैं उस काम धंधे को छोड़कर उसकी जगह पर यह करना चाहते हैं। आमदनी के साथ समस्या यह है कि यह बेहद सीमित और सीधी प्रक्रिया है। एक घंटे काम करो $1 कमाओ, 2 घंटे काम करो $2 कमाओ, मतलब 1 घंटे काम करो ₹100 कमाओ, 2 घंटे काम करो ₹200 कमाओ। मतलब यह है कि आमदनी पूरी तरह आपकी संलग्नता पर निर्भर रहती है, यानी आपकी अवेलेबिलिटी पर निर्भर रहती है। यानी आप अवेलेबल हो तो पैसा है, आप अवेलेबल नहीं हो तो पैसा नहीं। यानी आप कभी नहीं रुक सकते। मैंने एक ऑडियो में बोला था पैसा कब तक चाहिए, जियेंगे तब तक, तो काम कब तक करना होगा, जब तक जियेंगे तब तक। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए, ऐसा काम जिसमें काम करो एक बार पैसा आए बार बार। और ये सीरीज जो हमारी चल रही है ये उसी पे चल रही है। रॉबर्ट कहते हैं जैसा मैंने पहले कहा था यह एक जाल है। अधिकांश लोगों को सहज बोध से इस बात का एहसास हो जाता है लेकिन यह मान लेते हैं कि ज्यादा आमदनी कमाना है इस जाल से बाहर निकलने का तरीका है। परंतु ज्यादा आमदनी कमाने से यह बुनियादी तथ्य नहीं बदल जाता कि वह आमदनी आपके बिना नहीं हो सकती। दरअसल होता यह है कि ज्यादा आमदनी कमाने के चक्कर में अक्सर फंदा और ज्यादा खिंचता जाता है। सॉरी मेरे को हंसी आ गई थी। दरअसल होता यह है कि ज्यादा आमदनी कमाने के चक्कर में अक्सर फंदा और ज्यादा कसता जाता है। ज्यादा पैसे कमाने, ज्यादा काम करो, 8 घंटे का काम 8 घंटे की इनकम, 16 घंटे का काम 16 घंटे की इनकम, 24 घंटे का काम 24 घंटे की इनकम। फंदा कस रहा है या ढीला हो रहा है, कस रहा है। बी और आई क्वाड्रेंट का उद्देश्य ज्यादा आमदनी कमाना नहीं होता है, उनका उद्देश्य तो उन संपत्तियों का स्वामी बनना होता है जिनसे आमदनी उत्पन्न होती है। बी और आई क्वाड्रेंट जो है ना उसमें एसेट के ऊपर फोकस होता है। हम जिस बिजनेस में है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वो एसेट बेस्ड बिजनेस है। आप मेरी एसेट हो इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अगर आप मेरे कर्मचारी होते या मेरे नौकर होते मैं आपके लिए इतनी मेहनत थोड़ा ही करता, मैं आपको तनख्वाह देता, बात खत्म हो जाती। आप मेरी एसेट हो यार, और आप भी मेरे को क्यों सुन रहे हो? बिकॉज आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूं, हम पार्टनर हैं। कोई डाउनलाइन अपलाइन नहीं है, हम बिजनेस पार्टनर है। बी क्वाड्रेंट में क्या होता है, बी क्वाड्रेंट में आदमी संपत्तियों का स्वामी बनना चाहता है जिनसे आमदनी उत्पन्न होती है। अब रॉबर्ट कहते हैं असली संपत्ति क्या होती है, असली संपत्ति क्या होती है, असली दुनिया के बारे में बात करते हैं। दरअसल संपत्ति वह चीज है जो आपके लिए काम करती है। संपत्ति कौन है, वह जो आपके लिए काम करती है ताकि आपको अपने बाकी जीवन में काम नहीं करना पड़े। रॉबर्ट कहते हैं मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे नौकरी के लिए मेहनत करो,
दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी कहते थे संपत्ति बनाओ। बी क्वाड्रेंट का जीवन इसलिए इतना शक्तिशाली होता है क्योंकि जब आप कोई व्यवसाय बनाते हैं तो दरअसल आप एक संपत्ति बना रहे होते हैं। हम नेटवर्क बनाते हैं ना तो हम एक एसेट बेस्ड बिजनेस तैयार कर रहे हैं। आज पूरे संसार में हमारे रिच डैड व्यवसाय के ऑफिस है, चाहे मैं काम करूं, गोल्फ खेलूं, सोऊं, चेक लगातार आते रहते हैं। यह निष्क्रिय आमदनी है, अवशिष्ट आमदनी है। हालांकि मैं किसी नौकरी में कड़ी मेहनत करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन किसी संपत्ति को बनाने की खातिर कड़ी मेहनत करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नौकरी पेशा नहीं बल्कि अमीर आदमी की तरह सोचता हूं। चूंकि किसी व्यवसाय का स्वामी बनने का अर्थ एक संपत्ति का स्वामी बनना होता है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करते वक्त आप न सिर्फ जीवन संबंधी महत्वपूर्ण योग्यताएं सीख रहे होते हैं बल्कि आप अपने लिए एक वास्तविक संपत्ति भी बना रहे होते हैं। नौकरी में आप आमदनी कमाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आमदनी कमाने के बजाय आप एक एसेट बेस्ड व्यवसाय बनाते हैं। आप एक संपत्ति अपना व्यवसाय बनाते हैं और वह संपत्ति आपके लिए आमदनी उत्पन्न करती है। मैं केवल उन्हीं चीजों में निवेश करता हूं जो मुझे पैसे बनाकर देती है। यदि कोई चीज मुझे पैसे बनाकर देती है तो वह एक संपत्ति है, अगर वह मुझसे पैसे खर्च कराती है तो वह दायित्व है, जो हमने रिच डैड पुअर डैड में पढ़ा था। मेरे पास दो पोर्शे कारें हैं, पोर्शे कार करोड़ों की होती है, वे दायित्व है। रॉबर्ट कहते हैं करोड़ों की कार दायित्व है। हम कार लाते हैं ना बड़े खुश होते हैं, अरे बाप रे मेरी कार आ गई, मेरा घर बन गया, संपत्ति बन गई। वो संपत्ति नहीं है, वो दायित्व है। जिसमें पैसा आपकी जेब से जाता है वो दायित्व है, पैसा जेब में आता है वो एसेट है। मैं पूरी तरह उनका स्वामी हूं लेकिन फिर भी रॉबर्ट कहते हैं वो पोर्शे कारें जो है वो मेरा दायित्व है, लेकिन वे मेरी जेब में पैसा नहीं डाल रही, उल्टे वे तो पैसा निकाल रही है। यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। जो लोग यह बात समझते हैं उनके लिए पहले नंबर की संपत्ति आमतौर पर एक बिजनेस होता है और दूसरे नंबर की संपत्ति पारंपरिक तौर पर वो जहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो होता है, जहां उनको रियल स्टेट वगैरह जो भी, रियल स्टेट का स्वामी बनने का उद्देश्य इसे मुनाफे में बेचना नहीं बल्कि एक संपत्ति के रूप में रखना है। नौकरी करने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि नौकरी कोई संपत्ति नहीं है, आप इसे ईबे पर बेच नहीं सकते, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर बेच नहीं सकते, आप इसे किराए पर किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, आप इससे कोई डिविडेंड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन के कई दशक, अपने जीवन के श्रेष्ठ साल किसी ऐसी चीज को बनाने में बर्बाद क्यों करें जो संपत्ति नहीं है, या ज्यादा सटीकता से कहा जाए तो खुद की नहीं बल्कि किसी दूसरे की संपत्ति बनाने में बर्बाद समय बर्बाद क्यों करें। इसे समझने में कोई गलती नहीं करें, आप जब नौकरी करते हैं तो एक संपत्ति बना रहे होते हैं, बस वह आपकी संपत्ति नहीं होती है, वह किसी दूसरे की एसेट होती है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने या आमदनी कमाने के बारे में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में सबसे लोकप्रिय गलतफहमी यह है कि यह बेचने वाला व्यवसाय है, लेकिन बेचने का अर्थ तो सिर्फ ज्यादा आमदनी कमाना होता है। जो व्यवसाय सिर्फ बेचने पर आधारित होता है उसमें सबसे प्रमुख समस्या यह है कि जब आप गतिविधि रोक देते हैं तो आमदनी भी रुक जाती है, तो यह बेचने के बारे में तो नहीं है। सेल्स पर्सन किसी कंपनी में नौकरी कर सकता है या फिर कमीशन पर सामान बेच सकता है। यदि आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर के काउंटर के पीछे काम करते हैं तो आप ई क्वाड्रेंट में हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने लिए व्यवसाय करते हैं और बीमा, मकान या आभूषण बेचते हैं तो आप एस क्वाड्रेंट में हैं। ध्यान से सुनो इसको, अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में या कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो ई क्वाड्रेंट में हैं, और अब आप किसी व्यवसाय में बीमा बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं या कोई सोने के जेवरात बेच रहे हैं, या आप कोई और सेल्समैन हैं तो आप एस क्वाड्रेंट में हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में आपके पास एक काम रहता है और वह है बेचना। नौकरी में भी आदमी अपना टाइम बेच रहा है, अपना हुनर बेच रहा है, इससे आपकी दौलत नहीं बनेगी और ना ही आप आर्थिक दृष्टि से कभी स्वतंत्र होंगे। आप एक नया काम नहीं चाहते, आप तो एक अलग पता चाहते हैं जो बी क्वाड्रेंट का हो। आप क्या चाहते हो? नया काम नहीं चाहते हो, एक अलग पता चाहते हो जो बी क्वाड्रेंट का हो। नेटवर्क मार्केटिंग का मूल मुद्दा प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि एक नेटवर्क बनाना है, यानी लोगों की एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो उसी प्रोडक्ट का प्रसार करे, यूज करे। लक्ष्य यह नहीं है कि आप या कोई अन्य व्यक्ति बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे, यह उन बहुत से लोगों के लिए है जो अपने खुद के सर्वश्रेष्ठ ग्राहक बने, तार्किक समय ग्राहकों को सामान बेचे व सेवा करें, तार्किक संख्या में। एक नैतिक तरीका होता है बेचने का, मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल भी आप ना बेचे, आप खुद सर्वश्रेष्ठ ग्राहक बने, कुछ संख्या में ग्राहकों को सामान भी बेचें, उनकी सेवा करें, उनको सर्विस दें ताकि वो लोग आपके फिर फ्यूचर में आपके नेटवर्क में शामिल हो जाएं, दूसरों को नियुक्त करें यानी ज्वाइन करवाएं और बहुत से अन्य लोगों को दिखाएं कि यही चीज कैसे करना है। पहले क्या करना है? प्रोडक्ट को यूज करना है। फिर क्या करना है? कुछ प्रोडक्ट शेयर करना है। फिर क्या करना है? लोगों को ज्वाइन करवाना है। फिर क्या करना है? उनको भी यही सिखाना है, यही काम है।
और यहां हम यह कारण बताना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र प्रतिनिधियों की सेना क्यों बनाते हैं, यानी आप एक बड़ा नेटवर्क क्यों बनाते हैं। एक बार जब आप यह कर देते हैं तो जानते हैं कि आपके पास क्या होगा, जानते हैं आप क्या होगा, मैं बताता हूं क्या होगा। एक ऐसी संपत्ति जो आपके लिए आमदनी उत्पन्न करती रहेगी, निष्क्रिय आमदनी यानी रॉयल्टी इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा आमदनी कमाने के बारे में नहीं है, यह तो एक संपत्ति बनाने के बारे में है। इसकी बात हमने पहले की थी, वास्तव में यह 8 संपत्तियां बनाने के बारे में है, जो सभी एक साथ बनती है और आगामी अध्यायों में हम उनमें से प्रत्येक पर नजर डालेंगे। एक तरह से 8 प्रकार की एसेट बनती है, इसमें 8 प्रकार की एसेट बनती है नेटवर्क मार्केटिंग में। संपत्ति नंबर है पहला, असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है भाई जो असली शिक्षा देता है, असली बिजनेस की शिक्षा। कोई नहीं सिखाएगा आपको, अगर आपकी एक दुकान है तो कोई आके नहीं सिखाएगा कि आप उस दुकान से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो कोई आके ये नहीं सिखाएगा कि आप नौकरी के अंदर इस तरह से काम करिए जिससे आपको ज्यादा तनख्वाह मिल सके। आप ई और एस क्वाड्रेंट में दुनिया आपकी टांग खींचती है, बी और आई क्वाड्रेंट में दुनिया आपकी मदद करती है। ई और एस क्वाड्रेंट में आप इस बात को फिर सुन लो, दुनिया के 95% लोग उसमें रहते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम नकल करने वाले प्राणी हैं। वो कहते हैं ना, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, मंकी सी मंकी डू। वो हमारे पूर्वज है, वो जैसा करते हैं वैसा हम करते हैं। 95% लोग दुनिया में ई और एस क्वाड्रेंट में रहकर जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, गरीब मर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं तो हम कहते हैं जब सारे ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे, सबके साथ ऐसा होता है तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम कभी भी 5% लोगों में जाने के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हम उन 5% लोगों के बारे में सोचें जो बी और आई क्वाड्रेंट में है, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, जो आर्थिक रूप से आजाद हो चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पैसा आप किसी भी फील्ड में और भी कमा सकते हो, पैसा आप किसी और भी फील्ड में कमा सकते हो, लेकिन 3 चीजें ऐसी होती है जो आपको एक साथ नहीं मिलती है कहीं भी, पैसा, समय, सुरक्षा। फिर रिपीट कर रहा हूं, यह बात इसमें नहीं लिखी हुई है, मैं मेरे कहीं और सोर्स से बता रहा हूं आपको। 3 चीजें एक साथ इंसान चाहता है। पहली चीज, हर इंसान पैसा चाहता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा हो। दूसरी चीज, हर इंसान समय चाहता है कि उसके पास पर्याप्त समय हो। तीसरी चीज, इंसान सुरक्षा चाहता है कि जब वो उसके साथ कुछ हो जाए और वो काम ना कर पाए, यानी उसकी एबिलिटी 0 हो जाए तो भी उसके घर में इनकम आती रहे। ये 3 चीजें वो चाहता है। आप पैसा कहीं और से कमा सकते हो, लेकिन क्या होगा, जब पैसा कमाओगे तो टाइम नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगी। आप टाइम भी कहीं से निकाल सकते हो, बेरोजगार होकर घर में बैठ जाओ, टाइम ही टाइम है, सारा दिन खटिया तोड़ो, लेकिन पैसा नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगी। तो किसी जगह आपको टाइम मिल जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, किसी जगह पैसा मिल जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन ये बिजनेस अगर आपने खड़ा कर दिया, एसेट बेस्ड बिजनेस अगर आपने खड़ा कर दिया, अगर आपने बी क्वाड्रेंट का बिजनेस, यार मैं कहता हूं तुम दुनिया को जब प्लान दिखाओ और लोग जब तुम्हें ना करे तो तुम सोचो, वो 95% आदमियों के बीच में है, 400 साल से, सदियों सदियों से वो इस परंपरा को देखता आ रहा है। 95% भीड़ जिधर होती है लोग तो उधर ही जाएंगे ना यार, जैसा हम सबको देखेंगे हम वैसा ही करेंगे ना। भीड़ से हटके करने में डर लगता है, भीड़ के साथ सुरक्षा फील होती है। 95% लोग ई और एस क्वाड्रेंट के हैं, आदमी ने वो देखा है तो 5% के बारे में जब आप बताओगे तो कैसे आपकी बात को सुनेगा। लेकिन पेशेंस रखें, सीखते रहें, सिखाते रहें, एक दिन ऐसा आएगा जब जमाना आपके साथ होगा, बी क्वाड्रेंट का आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।